दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा है कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते। हाईकोर्ट ने कहा है कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है, दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वो राष्ट्रपति को भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की। दरअसल सुरजीत यादव नाम के शख्स ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल कर कहा था कि आबकारी मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 21 मार्च को गिरफ्तारी हुई, वो 22 मार्च से ईडी की हिरासत में है, अब ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा देना चाहिए। बता दें कि सुरजीत यादव ने ही एक और जनहित याचिका दाखिल कर अरविंद केजरीवाल द्वारा ईडी हिरासत में मंत्रियों को निर्देश देने पर रोक लगाने के निर्देश की मांग भी की थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि अगर सरकार की कोई विफलता है तो राज्यपाल या राष्ट्रपति उस पर कार्रवाई करेंगे। वहीं ये कहा जा रहा है कि एलजी इस मुद्दे की जांच कर रहे हैं। याचिकाकर्ता से हाई कोर्ट ने कहा कि आप हमें व्यवहारिक कठिनाई नहीं दिखा रहे, लेकिन हमें कोई ऐसी प्रतिबंध दिखाई जो इसे रोकता हो। कोर्ट ने कहा कि आप हमें व्यवहारिक कठिनाई दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये बता दीजिए कि ऐसी कौन सी बाधा है जो इसे रोकती हो। कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका शाखा इससे निपटेगी, वो अपना समय लेंगे, लेकिन इस स्थिति पर कोई कानून रोक नहीं है। कोर्ट ने कहा है कि इसे न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को कथित शराब घोटाले मामले में ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इसके बाद दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल को अंतरिम राहत देने से इनकार किया था। कोर्ट ने गिरफ्तारी में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि इस मामले में कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है जिन पर ईडी ने उसका रुख जाने बिना सरसरी तौर पर फैसला नहीं किया जा सकता। केजरीवाल ने उच्च न्यायालय से इस आधार पर उन्हें तत्काल रिहा करने का अनुरोध किया था कि उनकी गिरफ्तारी अवैध है। पिछले शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था।